अस्सलाम दोस्तों, अकमल आपकी खिदमत में फिर हाजिर। और आज हम बात करेंगे कि आप एक्टिव वाइस, जब आपके पास टेंस मौजूद है तो एक्टिव वाइस किसी भी टेंस को, किसी भी फिक्रे को आप एक्टिव से पैसिव करते हुए क्या रूल्स इख्तियार करेंगे कि आप पैसिव कर सकें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिक्रा कोई भी हो, कोई भी किसी भी टेंस का फिक्रा हो, 12 में से किसी भी टेंस का फिक्रा हो, उसको जब आप पैसिव करेंगे तो 6 एक आपको स्टेप्स में बताता हूँ। उन 6 स्टेप्स को आप अप्लाई करेंगे तो आप आराम से आप एक्टिव से पैसिव बना लेंगे, राइट। एक्टिव टू पैसिव वाइस। एक्टिव से पैसिव वाइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी फिक्रा जैसे मैंने कहा है, लेकिन हम समझने की खातिर, जैसे कि हमने टेंसेस में सीखा कि हम एक स्टैंडर्ड सेंटेंस ले लेते हैं, स्टैंडर्ड टेंस ले लेते हैं, सब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ले लेते हैं, उसको आगे फिर हम वेरिएशंस करके बाकी इसके भी टेंस बना लेंगे। मैं कहता हूं आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई ईट फूड आपके पास स्टैंडर्ड टेंस के तौर पर मौजूद है। स्टैंडर्ड का आपको पता है कि हम इसको क्या करते हैं, इसको बॉक्स कर देते हैं। बॉक्स का मतलब है इसको हम एज ए स्टैंडर्ड यूज करेंगे। और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट ये टेंस है, और ये एज ए डमी या स्टैंडर्ड के तौर पर हम इसे यूज कर रहे हैं, डमी या स्टैंडर्ड के तौर पर। इस डमी, इस स्टैंडर्ड को अगर मैं इसके ऊपर 6 रूल्स अप्लाई करूंगा तो मैं इसको पैसे वाइज में कन्वर्ट कर सकूंगा। नंबर, रूल नंबर 1 क्या है, स्विच, स्विच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। स्विच का मतलब है कि आप उसकी शिफ्ट कर देंगे, स्विच उसको उसकी जगह पर ले जाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। मैं ये कर रहा हूँ आपको, आपके लिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट की जगह पर ले गया और ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह पर ले गया। रूल नंबर 1 ये हुआ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने आपस में स्विच कर लिया। मैं यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन करता हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो मैं आय को ले गया इधर और फूड को ले गया इधर, और फूड का एफ कैपिटल हो जाएगा क्योंकि शुरू में आ रहा है। फूड इधर आ गया, आय उधर चला गया, पहला काम हो गया। और स्विच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और दूसरा काम क्या करना है, सेकंड, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जो हमारा इसमें मेन वर्ब है, फिलहाल तो हमारे पास है ये, मेन वर्ब का मतलब होता है जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो मेन असल वर्ब है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सारा हमारा टेंस घूम रहा है, तो मेन वर्ब को हम हमेशा इसमें एज ए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये जो वर्ब है इसकी हम यहां पर एट ईटन, ये बन गया ईट, एट ईटन, ये थर्ड फॉर्म बन गई, राइट। यहां पर पहली फॉर्म थी, यहां पर मैंने थर्ड फॉर्म कर ली। मैं इसकी एप्लीकेशन यहां पर भी कर सकता था, वहां पर भी करूं, सिर्फ प्लेस वहां पर रखिए, आप इसको यहां पर भी कर सकते थे, राइट। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड जो इसके ऊपर एप्लीकेशन हुई है ये आपने कर ली। कोई भी आप एक्टिव से पैसिव टेंस अगर बना रहे हैं तो पहला रूल ये है कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में स्विच कर दें, उनकी पोजीशन को स्विच कर दें। दूसरा रूल ये है कि आप दिए गए मेन वर्ब की, ये दिया गया मेन वर्ब है, इसकी हमेशा पैसिव वाइस में थर्ड फॉर्म यूज करें। और तीसरी जो चीज़ है, तीसरा हम काम करेंगे कि तीसरा काम है जी इसमें एड बी बिफोर मेन वर्ब, बिफोर द मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब से पहले मैंने क्या किया है, मेन वर्ब से पहले ये मैंने बी ऐड कर दिया, ये वाला बी, ये बी मैंने अपनी तरफ से ऐड किया मेन वर्ब में, तो यहां पर ये बी मैंने यहां पर ऐड कर दिया। तीन स्टेप्स हो गए,
चौथा स्टेप है एड. अब क्या करना है आपने, एड बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट, यानी कि बी से हमने पहला तीसरा काम क्या किया था, नंबर वन काम क्या किया था, मैं रिपीट करता जा रहा हूं सर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने स्विच किया, उनकी पोजीशन चेंज की. दूसरा काम हमने क्या किया, ईट को हमेशा वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म यूज की. तीसरी हमने ये एप्लीकेशन की कि वर्ब से पहले हमने अपनी तरफ से बी का इजाफा किया. चौथी चीज जो हमने की, ऑब्जेक्ट से पहले बिफोर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे पहले मैंने बाय का इजाफा अपनी तरफ से किया, राइट. उसके बाद जो पांचवी चीज है वो हम देखेंगे कि, बल्कि पांच ही आप चीजें फिलहाल देखें. पांचवी चीज हमने क्या की कि लेट एनी additional parts be the way they are. इसके अलावा अगर कोई चीज आपको लगती है नजर आती है additional चीज, मतलब इन चीजों के अलावा, subject object change कर लिया, verb की तीसरी form हो गई, verb से पहले be लग गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया, ये चार चीजें तो अभी तक यहां तक अप्लाई हुई, यानी कि दो चीजें हमने अपनी तरफ से ऐड की. पांचवा जो बात है, अगर आपको इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा कोई चीज अगर नजर आती है तो वो जहां है जिस शक्ल में है आप उसे वहीं छोड़ दें, उसे कोई चेंजेस ना करें, राइट. पांचवी जो छठी जो चीज करेंगे, छठा, और ये इसे हम कहते हैं ऑडिट, आप वो एक्टिव वॉइस में भी कर रहे थे और इसे पैसिव वॉइस में भी करेंगे. जो छठी चीज है वो है चेक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और ये कैसी शक्ल होती थी इसकी, ये, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब है कि हर अगला लफ्ज जो है, अगला ये पिछला लफ्ज है, ये इससे अगला लफ्ज है, तो हर अगला लफ्ज जो है उसके ऊपर लाजिम है कि वो पिछले लफ्ज की कंडीशंस को फॉलो करता हो, वायोलेट नहीं करे, कंडीशंस को वायोलेट नहीं करे. तो फूड की अगर बी के ऊपर कोई कंडीशन है तो बी के लिए लाजिम है कि पहले वो उसे अग्री करे, अगर वो उसे वो जो अग्री नहीं कर रहा, उसे फॉलो नहीं कर रहा, वायोलेट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा फिक्र गलत है. बी की इसके ऊपर कोई कंडीशन है तो बी इसको फॉलो करना है, ईटन की इसके ऊपर है तो वो फॉलो करना है, और इसकी इसके ऊपर कोई कंडीशन है तो ये फॉलो करनी है. अगर वो वायोलेट कर रहा है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा फिक्र गलत है. अब मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेक करते हुए फूड के बाद मैं देखता हूं कि फूड के बाद जो बी है वो एक्सेप्टेड नहीं है. बी हमेशा विल, शैल या मोडल वर्ब के बाद तो समझ में आता है, मोडल वर्ब की बात ये पहले करे, वो आपने सुन ली होगी, आगे चल के मैं करूंगा. तो यहां पर बी जो है, आपको शायद याद हो हमने पहले बात की थी कि मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव की हमने बात की थी कि इधर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ये इसके मेंबर होते हैं. इज एम आर वाज वर और बीन, ये इसके ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये मेंबर्स हैं. तो फूड की अभी कंडीशन ये है कि फूड के बाद जो वर्ब आना है वो अगर तो फैमिलीज में से, ये फैमिली आ गई, अगर फैमिलीज में से है तो वो मेंबर्स में से होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव में से नहीं होना चाहिए, यानी कि बी नहीं आ सकता. आप मेंबर्स में से चेक करेंगे मेंबर्स में क्या आता है. फूड के बाद इज एक्सेप्टेड है, एम एक्सेप्टेड, आर एक्सेप्टेड नहीं है, इज एक्सेप्टेड है, तो हम इसकी शक्ल जो है वो चेंज कर देंगे. इसको क्या करेंगे, फूड को, यानी कि बी जो है वो भी वो इज है, इज बी है, बी इज है, बी एक ही शक्ति चीज के नाम है, इज एम आर वाज वर बीन, ये एक ही फैमिली है, एक ही कैटेगरी है, अपनी शक्ल में वो सेम है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस के मुताबिक फूड के बाद बी नहीं आया, इज आया, तो हमने किया फूड इज. ओके, बाद उसके बाद हमने देखना है इज के बाद ईटन, इज को ईटन से कोई प्रॉब्लम है नहीं, ईटन को, इज को ईटन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईटन को बाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय के बाद आय जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, बाय के बाद
पहली बात तो यह है कि जो यहाँ पर नाउन आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, अगर वो यहाँ पर आता है तो सब्जेक्टिव हालत में होता है, यहाँ पर आता है तो ऑब्जेक्टिव हालत होता है। तो आई की सब्जेक्टिव हालत होती है आई, पोजेसिव हालत होती है माई, और ऑब्जेक्टिव हालत होती है मी। इस वक्त आए जो है अगर यहाँ पर होता तो ये सब्जेक्टिव में होता आए, और अगर यहाँ पर आ रहा है तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है और वो बनेगी मी। तो हम इसे इसको काट के हम इसको मी कर देंगे। तो मी और आए एक ही चीज़ है, लेकिन पोजीशन उसकी वहाँ पर सब्जेक्टिव थी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगी। तो मैंने ये काम कर लिया। अब हमारी छः के छः जो रूल्स हैं वो जब इसके ऊपर अप्लाई हुए इसके ऊपर, तो ये हमारे पास जो फाइनल शक्ल आई है सेंटेंस की है वो ये है कि फूड इज ईटन बाय मी, फूड इज ईटन बाय मी, आई ईट फूड। मैंने यहाँ पर किया फूड इज ईटन बाय मी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ सारी बात को जो मैंने रूल सिखाए। मैंने आपको बताया कि आप किसी भी गिवन सेंटेंस को अगर आप एक्टिव से पैसिव करना चाहते हो तो छः रूल आपने, छः रूल अप्लाई करने हैं, छः रूल। पहला रूल क्या है कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। मैं आए को यहाँ पर ले गया और फूड को यहाँ पर लाया, और इसकी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर की, यहाँ पर आए था मैंने आए यहाँ पर ले गया, और यहाँ पर फूड था मैंने फूड को यहाँ पर ले आया, पहली एप्लीकेशन हमने ये की। दूसरी बात मैंने क्या की कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द मेन वर्ब, किस में, ये पैसिव वाइज की बात हो रही है, एक्टिव वाइज की बात नहीं हो रही। पैसिव वाइज में मेन वर्ब की हमेशा आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये हमारा मेन वर्ब था ईट, इसकी पैसिव वाइज में मैंने जाके रूल के मुताबिक थर्ड फॉर्म यूज कर दी। तीसरी जो हमने बात की, मैंने कहा कि एड बी बिफोर मेन वर्ब, हमने अपनी तरफ से बी ऐड की, अपनी तरफ से ऐड किया है बी किससे पहले, मेन वर्ब से। इसमें हो सकता है एक से ज्यादा चीजें हो, एक वर्ब से ज्यादा वर्ब हो, तो मेन वर्ब से पहले हमने उसे ऐड करना है। वर्ब को हमने, बी को हमने मेन वर्ब से पहले ऐड कर दिया। चौथी बात जो हमने की वो ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाया, ऐड बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले मैंने बाय लगा दिया, चार चीजें होगी। पांचवी चीज है कि लेट एनी एडिशनल पार्ट्स, अगर इसके अलावा कोई एडिशनल चीजें हैं, एडिशनल पार्ट्स अगर कोई हो इसके अलावा, इज एम आर है, सॉरी आई एन जी है, विल शैल हैज हैव है, कोई और चीज, कुछ भी, एनीथिंग, मिसाल के तौर पर एज हैज हैव विल शैल आई एन जी, जहां भी, जो जहां पर है कोई चीज, अगर इसके अलावा कोई भी चीज आपको मिलती है और जहां मिलती है और जिस शक्ल में मिलती है आप उसे नहीं छेड़े, उसे अजीजी छोड़ दें, अभी वैसे छोड़ दें, आगे चल के उसका अगर कोई चीज आएगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे उसका क्या करना है। पांचवी चीज हमने की कि जो कोई एडिशनल पार्ट है तो छोड़ दिया, इसमें कोई एडिशनल पार्ट नहीं था मैंने उसको टच ही नहीं किया, उसके ऊपर कोई मैंने एप्लीकेशन नहीं की। पांचवी छठी चीज जो है वो आपका पड़ताल है, ऑडिट है सेंटेंस का, जैसे आप मैथमेटिक्स में ऑडिट करते हैं आप अपनी राइटिंग में भी, ग्रामर राइटिंग में भी आप ऑडिट कर सकते हैं। और ऑडिट क्या है, आप ये लाइनें जो मैंने खींची, मैं आमतौर पर इसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बाय नेम हमने कह दिया, इसके ऊपर अग्रीमेंट काफ़ी सारे हैं। तो ये हम करेंगे कि हर अगला लफ्ज़ जो है पिछले वर्ब की, पिछले जो वर्ड है, हर अगला वर्ड पिछले वर्ड की कंडीशंस को फॉलो करके आएगा, उसको अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसको वायलेट नहीं कर सकता, उससे अगला वर्ड उसको फॉलो करेगा, उससे अगला वर्ड उसको फॉलो करेगा। तो ये कंडीशन वन स्टेप फॉरवर्ड जाती है। नंबर वन ये याद रहे कि कंडीशन हमेशा वन स्टेप फॉरवर्ड जाती है। नंबर टू याद रहे कि इसकी वन स्टेप से अलावा कोई कंडीशन नहीं है, इनके सेकंड स्टेप पर जाके यहाँ से जंप करके यहाँ पर इसकी कोई कंडीशन नहीं है, इस फूड की इसके ऊपर डायरेक्ट अब कोई कंडीशन नहीं है, इसकी कंडीशन थी जब ये इज नहीं था, अब जब इज आ गया तो फूड की कंडीशन सिर्फ इज पर अप्लाई हो रही है, ईटन के ऊपर उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसकी कंडीशन ईटन के ऊपर है, बाय के ऊपर उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो कंडीशन है वन स्टेप फॉरवर्ड होती है, वन इसके अलावा सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप पर इसका कोई ताल्लुक नहीं, नंबर वन। नंबर ये टू हो गया, कंडीशन स्टेप फॉरवर्ड होती है, नंबर वन। नंबर टू सिर्फ वन स्टेप फॉरवर्ड होती है, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप पर उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर थ्री कंडीशन के बारे में कि कंडीशंस रिवर्स नहीं होती, कंडीशंस रिवर्स नहीं होती, यानी कि अगले लफ्ज के पिछले किसी लफ्ज पर कोई कंडीशन नहीं है। तो आपने अगर ये पांच रूल्स, छह रूल्स अप्लाई कर लिए, छह चीज़ों को आपने चेक कर लिया और उसके मुताबिक अगर आपने अप्लाई कर लिया तो यू आर वेरी गुड विद मेकिंग एनी पैसिव वॉइस फ्रॉम एनी सेंटेंस। अगले वीडियोज़ जो आएंगे उसमें मजीद मिसालें भी करते हैं, अगली वीडियो में हम मजीद मिसालें भी करते हैं और मिसालों के साथ साथ
हम बाकी टेंसेज को भी पैसिव बना के देखेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन से फिक्रे हैं जिनके पैसे वाइज बनते हैं और कौन से फिक्रे नहीं बनते। ये हम बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।